राजधानी रायपुर के तिलदा नेवरा क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी और तहसील प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार तिलदा तहसील क्षेत्र के सत्यनारायण अग्रवाल कला और वाणिज्य महाविद्यालय कोहका बाउंड्री वॉल से लगे दो दुकान निर्मित पर प्रशासन ने जेसीबी चलाया है। वहीं इस अभियान के तहत तिलदा नेवरा से खरोबा मुख्य मार्ग ग्राम पंचायत तुलसी में अवैध रूप से निर्माणाधीन 8 दुकानों को धराशायी किया गया है। इसके अलावा विधायक कार्यालय के सामने टीन शेड से निर्मित संचालित होटल से भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार ने कहा कि ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। तिलदा नेवरा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। तोड़ा गया है कोहका में जो सत्यनारायण अग्रवाल कॉलेज है, वहाँ पे महन साहू के द्वारा दो कमरे का लेंटर ढला हुआ मकान या दुकान तैयार किया जा रहा था, उसको अतिक्रमण हटाया गया। और दूसरा तुलसी में अविनाश अग्रवाल के द्वारा जो तालाब का पार है उसमें 8 दुकान निर्माणाधीन था, उसे विधिवत प्रकरण दर्ज करके उसको भी आज हटाया गया। इसके अलावा जो कर्मचारी परिसर है तुलसी में, उसके बगल में विधायक कार्यालय, उसके सामने में एक लंबा चौड़ा होटल बनाया गया था, उसे भी आज हटाया गया है। वो दीपक श्रीवास्तव का था। तीनों में विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया था, बेदखली वारंट जारी किया गया था, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।